लखीसराय की स्थापना सन 1629 ईस्वी में मेहनगर के राजा हरबंस सिंह गौतम की पत्नी रानी रत्नजोत कुंवर ने किया। मामला यह है कि रानी रत्नज्योति जो है वह धार्मिक स्वभाव की थी और उनके पति हरबंस सिंह गौतम जब इस्लाम की तरफ उनका झुका हुआ तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली और 52 बीघा एकड़ जमीन माफी लेकर के वह तब के सेठवल गांव सभा में आके रहने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि रानी ने और राजा ने मुस्लिम से शादी करी थी क्या? किसी मुस्लिम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रानी के 2 लड़के भी थे, गंभीर सिंह और धरणीधर सिंह। और रानी केवल बस इस राजा से यही विरोध था कि राजा का झुकाव इस्लाम की तरफ था, इसलिए वो आके यहाँ। रानी के सराय के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, क्या ऐसा कुछ है? जी हाँ, ऐसा है कि रानी ने जो अपना ये माफी लिया था जमीन, इससे यह रानी की निजी प्रॉपर्टी हो जाती है और इसलिए उन्होंने जब मरते समय एक वसीयत दिया कि रानी की सराय में कोई भी मस्जिद, मकबरा या इमामबाड़ा नहीं बना, जबकि रानी की सराय मंदिरों का कस्बा है। यहाँ पर आप हर 100 मीटर पर एक मंदिर पाएंगे और जब यहाँ पर मस्जिद बनाने की बात करते हैं लोग तो इसका विरोध हो जाता है और काम रुक जाता है।